दोस्तों इस वीक भारत में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। एक है OnePlus Nord 3 5G और दूसरा है IQ New 7 Pro 5G। दोनों फोन सेम प्राइस रेंज में आते हैं। OnePlus Nord 3 5G का प्राइस जहां 34,000 रुपए से शुरू होता है, तो वहीं पर इसी प्राइस रेंज में आता है IQ New 7 Pro 5G। अब देखना यह बनता है कि परफॉर्मेंस दोनों में से आपको किस स्मार्टफोन में ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोनों को कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेम प्राइस रेंज में आने वाले इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको किस में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो में सबसे पहले दोनों के डिजाइन की बात करते हैं। OnePlus Nord 3 5G देखने में काफ़ी पतला फ़ोन है और इसके किनारे आपको फ्लैट मिलते हैं। फ़ोन का इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है और बैक पर इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। बैक पर इसमें आपको एक LED लाइट मिलती है और एक कलर सेंसर है। फ़ोन का फ्रंट भी फ्लैट है और यहाँ पर बेजल्स भी काफ़ी कम है। फ़ोन के नीचे की साइड में आपको टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, स्पीकर, ग्रिल और सिम कार्ड ट्रे मिलती है। लेफ्ट में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है और टॉप पर IR ब्लास्टर, स्पीकर, ग्रिल और एक माइक्रोफोन दिया गया है। जिस तरह से इसके बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरह से इसके फ्रंट में आपको ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन दिया गया है। वहीं IQ New 7 Pro 5G के डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन ये हैवी नहीं है। इसके बैक पैनल पर वैगन लेदर का यूज़ किया गया है, जो कि इसे काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है जिसमें बेजल्स काफ़ी कम है। नीचे की साइड में टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, ग्रिल, माइक्रोफोन और सिम कार्ड ट्रे दी गई है। वहीं राइट साइड में इसमें वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसकी डिस्प्ले में दिया गया है। अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। OnePlus Nord 3 5G में आपको 1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.74 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले में आपको HDR 10+ और सिक्योरिटी के लिए ड्रैगन ट्रेल ग्लास का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, जो कि 1450 निट्स है और टच रिस्पांस रेट 240 हर्ट्ज़ है। फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और बेजल्स काफ़ी कम हैं और इसमें आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि 40Hz से 120Hz तक जाता है। IQ New 7 Pro 5G में आपको 6.78 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले में आपको 1080x2400 पिक्सल्स रेजोल्यूशन मिलता है और 1300 निट्स की इसमें आपको ब्राइटनेस मिलती है। साथ में HDR 10 का आपको सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी है, टच रिस्पांस अच्छा है, डिस्प्ले का साइज भी बड़ा है, इसलिए वीडियो देखने का एक्सपीरियंस इसकी डिस्प्ले में आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब बारी आती है चिपसेट की। OnePlus Nord 3 5G में आपको MediaTek का डायमेंशन 9000 चिपसेट मिलता है। फ़ोन में 16GB तक LPDDR5X रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। ये फ़ोन Android 13 बेस्ड ऑक्सीजन OS 13.1 पर चलता है। इसमें आपको 3 साल तक के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। बात करें गेमिंग की तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें आप हाई ग्राफिक्स पर गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक गेमिंग करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 3 या 4 घंटे लगातार गेमिंग करते हैं, तो इसमें आपको कुछ रुकावट देखने को मिलती है। यानी परफॉर्मेंस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन ये गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। IQ New 7 Pro 5G में आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4nm काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। 12GB तक LPDDR5 रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है। हाई ग्राफिक्स पर आप इस फ़ोन में लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। तो जहां तक गेमिंग सपोर्ट और परफॉर्मेंस की बात है, तो IQ New 7 Pro 5G में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कैमरा सपोर्ट की बात करें तो Nord 3 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस, जो कि सोनी IMX819 लेंस है और OIS सपोर्ट के साथ आता है। दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसका कैमरा दिन की रोशनी में तो अच्छा काम करता ही है। इसमें आपको लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। वीडियोग्राफी की बात करें तो इसके रियर कैमरे से आप 4K वीडियो को 60fps पर शूट कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से आप 1080 पिक्सल वीडियो को 30fps पर शूट कर सकते हैं। IQ New 7 Pro 5G में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फ़ोन में f1.88 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो कि GN5 सेंसर है।
दूसरा इसमें आपको f2.2 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, और जो तीसरा सेंसर है वो f2.2 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए इसके फ्रंट में आपको f2.45 अपर्चर के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, डे लाइट में इसका कैमरा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इसके कैमरे से आप 4K वीडियो को 60fps पर शूट कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो OnePlus Nord 3 5G में आपको 5000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। IQ Neo 7 Pro में आपको 120W फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है, और चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट मिलता है। अब बारी आती है कि दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। सीधे सीधे आपको IQ Neo 7 Pro 5G को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जब आप फ़ोन पर 30,000 से ज़्यादा रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको फ़ोन में अच्छा खासा गेमिंग सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि आपको IQ Neo 7 Pro 5G में मिलता है, और OnePlus Nord 3 5G में आपको गेमिंग सपोर्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।